हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 37 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है विमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, रिपोर्ट क्या है समझेंगे। बट उससे पहले अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बैट के बारे में समझते हैं। देखिए हर संडे 11 बजे से होने वाला ये कॉम्बैट, इसमें आपको रैंक के अकॉर्डिंग 100% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिल रहा है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करना है और ख़ुद को एनरोल कराना है फ्री में। साथ में रेज हैंड का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जिसमें आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेरा फेवरेट लाइफ मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के बाद आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशन, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल और जाने क्या क्या पाओगे। उसके अलावा अकेडमी लोन भी दे रही है यूपीएससी के लिए, जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेसल फ्री मैनर में आपको आराम से लोन मिल जाएगा। सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंडेटरी है सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करना जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके लिए सरप्राइज़ है, 30 सितंबर मतलब आज तक अनअकैडमी के अंदर 10% ऑलरेडी प्राइस कम हो रखा है। तो अगर आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी देर किस बात की है, जाइए और तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करिए। अब जो इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में। जानते हैं कि क्यों रही न्यूज़ में। हुआ क्या कि रिसेंटली विमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ करा गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। तो पहले तो एनएसओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए एनएसओ एक स्टैटिस्टिक्स विंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। इसके अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है, द कंप्यूटर सेंटर एंड द नेशनल सैम्पल ऑफ सर्वेस ऑफिस भी आता है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसके अंदर दो विंग हैं। पहला रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से और दूसरा जो है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। अभी जो एनएसओ है ये एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है प्लान डेवलपमेंट के लिए स्टैटिस्टिकल सिस्टम में कंट्री के अंदर, और साथ में मेंटेन करता है नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। तो मेनली ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अब कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स समझते हैं। ये इंडिया का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2021 में, वो है 136.13 करोड़ विद 48.65% जो है इसमें वो फीमेल की पॉपुलेशन है। दूसरा जो प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो है ये बढ़ा है, 943 था ये 2011 में, बढ़ के 948 हो गया है 2021 में। सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ वॉज 899 2016 से 18 के बीच में, और अगेंस्ट 896 जो कि 15 से 17 के बीच में था, मतलब हायर था ये रूरल एरियाज में अर्बन एरिया से कंपैरिजन में। वुमेन की मीन एज एट मैरिज एट ऑल इंडिया लेवल 2018 में ये 22.3 ईयर्स थी, जो दिखाती है कि ये 0.2 ईयर्स से बढ़ा है 2017 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ये कम हुआ है फ्रॉम 39 2014 में था, अब घट के 32 हो गया है 2018 में। मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो ये भी कम हुआ है 212 से 2007-09 में, अब 113 हो गया है 16-18 के बीच में। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात बताऊं जो लिटरेट पॉपुलेशन के लिए है रूरल एरिया की, वो ऑब्जर्व करी गई है एट 2.3 एज कंपेयर टू 1.7 इन अर्बन एरियाज। एजुकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे जो लिटरेसी रेट है ये बढ़ा है 73 से जो कि 2011 में था, वही जगह अब 2017 में 77.5 देखने को मिला है।
मतलब फीमेल और मेल का बताऊं तो फीमेल का 70.3 है और मेल का 84.7 है। सिर्फ 3.1% फीमेल्स और 4.5% मेल्स जो हैं वो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बताऊं तो रूरल सेक्टर में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये 19 था फॉर फीमेल्स के लिए और 52.1 था मेल्स के लिए। अर्बन सेक्टर में रेशियो 14.5 था फीमेल्स के लिए और 52.5 था मेल्स के लिए। ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं करीब 59.6% और जो मेल्स हैं 57.4%, ये जो वर्कर्स हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं रूरल एरिया में। अर्बन सेक्टर में बताऊं तो 54.7 फीमेल्स और 47.2 मेल्स ये रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयड हैं एम्प्लॉई हैं। कैजुअल लेबर में बताऊं अमंग द फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स तो ये ज़्यादा हैं रूरल एरिया में अगर आप कंपेयर करो अर्बन से। तो ऑन एन एवरेज 134 मिनट्स स्पेंड करे जाते हैं एक दिन में फीमेल के द्वारा फॉर अनपेड गिविंग सर्विसेज टू हाउस होल्ड मेम्बर्स, जो ये घर का काम करती है ना, और ये 76 मिनट्स हैं मेल्स के द्वारा सेम एक्टिविटी में जो स्पेंड किए जाते हैं। पार्टिसिपेशन अगर हम देखें डिसीजन मेकिंग में तो जो फीमेल्स इलेक्टर्स पार्टिसिपेट करती हैं जनरल इलेक्शन में ये बढ़ा है 65.6% हुआ 16th में था ये और 67.2% देखने को मिला 17th लोकसभा के इलेक्शन में। यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है फीमेल नंबर के कैंडिडेट के बीच जिन्होंने इलेक्शन को लड़ा है फ्रॉम 14th टू 17th लोकसभा जनरल इलेक्शन, ठीक है ना। मतलब पार्टिसिपेट के लड़ा नहीं था, जो पहले वाला था ना वो पार्टिसिपेट करना था, वोट डालना था, और दूसरा वाला जो है वो इलेक्शन लड़ने की बात थी। उसके बाद इम्पीडमेंट इन एम्पावरमेंट, देखिए 2019 में 3 मेजर क्राइम्स, एक क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स 31% था, एक असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी एंड किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ये 71% रहा टोटल क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हुए उसमें। डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए ये 1.9% था फीमेल्स के लिए और 2.4% रहा मेल्स के लिए। आखिरी में इससे रिलेटेड न्यूज़ कुछ जान लेते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, रिसेंटली तुर्की ने पुल्ड आउट किया अपना ये कन्वेंशन। ये था अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोप का जो लीडिंग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत। इसके अंदर 47 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें ऑल मेंबर्स ऑफ यूनियन, मतलब सारे मेंबर्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के भी हैं। कन्वेंशन देखता है कि गोल इसका जीरो टॉलरेंस को टुवर्ड द जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेके, एंड लेट डाउन करता है ग्राउंड वर्क कि हम कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं, औरतों की लाइफ और सेफ करें यूरोप के बॉर्डर के अंदर भी और यूरोप के बॉर्डर के बाहर भी। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करा, नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।